मैं हूं किशन और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सीजी टूरिज्म विद किशन में। दोस्तों आज का ट्रिप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के ट्रिप में मेरे को एक यूट्यूबर जो कि जिनका YouTube चैनल है और जो ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं वो आज के इस ट्रिप में मेरे को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका नाम नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। जगह के बारे में बताता हूँ, जगह जो हम लोग जाने वाले हैं आज वो है दल्हा पहाड़, जो कि आप लोग जानते होंगे जांजगीर चांपा का बहुत बड़ा पहाड़ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दल्हा पहाड़ को एक्सप्लोर करेंगे और दल्हा पहाड़ छत्तीसगढ़ की कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ नागपंचमी में मेला लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी आगे बताऊँगा आप लोगों को कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। अभी मैं बगदेवा के पास हूँ, अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग जाएंगे, खुंद्रा से होते हुए जाएंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। थोड़ी देर में हम लोग उनसे मिलते हैं और ट्रिप स्टार्ट करते हैं। दल्हा पहाड़ दोस्तों जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो जांजगीर चांपा जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर, बिलासपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर और कोरबा सिटी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप का, उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं और अभी मैं अपने ट्रैवल पार्टनर से आप लोग को मिलाता हूँ। ये भी यूट्यूबर हैं, इनका नाम है विशु, विशु नेताम ऑफिशियल करके इनका यूट्यूब चैनल है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, इनके चैनल को चेकआउट कीजिएगा। तो विशु, आज के हमारा जो ट्रिप होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, बताइए हमारी ऑडियंस को। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है विशु और आज हम लोग जाने वाले हैं अकलतरा के पास। एक बड़ा सा पहाड़ है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं किशन जी? दल्हा पहाड़ बोलते हैं, दल्हा गिरी नाम से फेमस है। अकलतरा के पास है कुशमंदा नामक गांव के पास, तो उसको आज एक्सप्लोर करेंगे और विशु ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस ट्रिप में हम लोग को। तो अभी हम लोग बताएंगे आपको आगे ट्रिप में क्या क्या होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है और पूरा एक्सप्लोर करेंगे दल्हा पहाड़ को। तो बने रहिएगा चैनल पे। दोस्तों अगर आप खुंद्रा के रास्ते से होते हुए जाएंगे तो आपको बीच में घटवाई दाई मंदिर मिलेगा। यहाँ हमने रुक के माथा टेक लिया और यहाँ के लोगों से पता किया कि यह जो घटवाई दाई मंदिर है यह भी दल्हा पहाड़ से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि घटवाई दाई पहले दल्हा पहाड़ में रहती थी, उसके बाद वह यहाँ आकर विराजमान हो गई। यहाँ इस खुंद्रा के घटवाई दाई मंदिर में दोस्तों नवरात्रि में काफी सारे श्रद्धालु आते हैं। अभी दोस्तों हम लोग दल्हा पहाड़ के रास्ते में कुशमंदा के पास है जहां से आप दल्हा पहाड़ का दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं श्री सिद्ध मुनि आश्रम के पास खड़ा हूं जो कि दल्हा पहाड़ के जस्ट नीचे की ओर स्थित है। यहाँ सामने में ही मेला लगता है और नागपंचमी के दिन यहाँ काफी सारे श्रद्धालु आते हैं। आश्रम की दोस्तों बहुत सारी मान्यताएं हैं और यहाँ आपको सूर्यकुंड, श्री कृष्ण मंदिर और मठ वगैरह देखने को मिल जाएगा। यह है दोस्तों श्री कृष्ण मंदिर, तो चलिए चलते हैं अंदर। नागपंचमी को दोस्तों यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और खड़े रहने तक की भी जगह नहीं होती है और अगहन शुक्ल में जब यहाँ हवन होता है तब भी यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। यह है दोस्तों दल्हा पहाड़ का सूर्य कुंड जिसके बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि यह जो कुंड है यह काफ़ी चमत्कारी है। इसका पानी कभी नहीं सूखता है, साल के 12 महीना यहाँ पानी होता है। साथ ही माना जाता है कि अगर आप इस कुंड का पानी पी लेंगे तो आपकी कोई भी बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ झंडा फहराने का भी स्थान है दोस्तों, जहाँ अगहन शुक्ल को 100 मीटर से भी ऊंचा और लंबा एक झंडा फहराया जाता है।
तो दोस्तों अभी थोड़ा चढ़ाई कर रहा हूँ तो थक गया हूँ, देख सकते हो ये पीछे नज़ारा है ना। तो अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, 4 किलोमीटर की खड़ी चलाई है दल्हा पहाड़ की। ऊपर चलता हूँ और कुछ कुछ हम लोगों ने पता किया वहाँ से आश्रम से, वो सारी चीज़ें जैसे कुंड है, तालाब है, देखने लायक चीज़ें हैं, मंदिर है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। और ऊपर चढ़ने के बाद मैं आपको पहाड़ी के ऊपर से भी बहुत अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा। हेलो, तो दोस्तों अभी रास्ते में है, यहाँ की कोई नॉर्मल ट्रैकिंग तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अपने साथ वाटर बॉटल और खाने की चीज़ें सब लेके आओ, अभी आप ऊपर चढ़ सकते हो वरना मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो तैयारी के साथ आना, वो भी आ जाए साथ में, उसके चैनल को ज़रूर जाके देखना, ठीक है। और मेरे को तो सब्सक्राइब करना ही करना। दोस्तों अभी मैं टॉप तक पहुंच गया हूँ दल्हा पहाड़ का, और आप देख लो यार, क्या बताऊं मैं, नज़ारा ही देख लो। इस दल्हा पहाड़ की जो ऊंचाई है दोस्तों वो लगभग 13,123 फीट है ऐसा माना जाता है। और यहाँ आपको गुरु घासीदास जी से जुड़े हुए काफ़ी सारे अवशेष देखने को मिल जाएंगे। माना जाता है यहाँ गुरु घासीदास जी ने तपस्या की थी और अपना अंतिम उपदेश दल्हा पौड़ी में दिया था, जिसके साक्ष्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ जैत खाम वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पहाड़ के पीक में पहुँचेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ एक अधूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ मंदिर बनाने के लिए हो सकता है। और यहाँ ऊपर में आपको दल्हा बाबा की मूर्ति दिखाई देगी। अभी हम लोग दोस्तों पहाड़ के पीक में है, ये सबसे ऊंचा जगह है और यहाँ नागपंचमी के दिन पूरी भीड़ लगी होती है लाखों की संख्या में, और पैर रखने तक की भी यहाँ ऊपर में जगह नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ गुरु घासीदास जी से जुड़े हुए आपको काफ़ी सारे अवशेष देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ आपको एक छोटा सा कुंड भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं दूसरे पीक की ओर जा रहा हूं दोस्तों, और आपको यहां जैत खाम रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। आपको एक तालाब भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी चमत्कारी है ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है दल्हा पहाड़ में सिर्फ 2 ही तालाब है जिसमें से एक तालाब ही दिखाई देता है और एक कुछ चुने हुए लोगों को ही दिखाई देता है। इसमें से एक है ये दोस्तों कुरैया डबरी, जो आपको दूसरे पीक यानी दल्हा पहाड़ के दूसरे पीक के जाने के रास्ते में दिखेगा। अभी हम लोग दूसरे पीक की ओर जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से दल्हा पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा पेड़ों की चादर ओढ़े सो रहा हो। हम लोग दोस्तों दूसरे पीक की ओर पहुँच गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा शिवलिंग है। यहाँ से नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। शिवलिंग के जस्ट अपोजिट साइड में दोस्तों आपको एक छोटा सा कुंड भी दिखाई देगा जो कि अभी सूखा हुआ है, जिसके आगे दोस्तों आपको एक जैत खाम दिखाई देगा जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहा है। अभी हम लोग दोस्तों वापस आश्रम के पास पहुंच गए हैं जहां पर बाबा लंगूर को खाना खिला रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा के कहने के मुताबिक यहां अगर आप लंगूर को बुलाएंगे तो वो आपके पास आएंगे खाना खाने के लिए, आप भी ज़रूर देखिएगा।
तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूँ, दल्हा पहाड़ का अपना ट्रिप कंप्लीट हो गया है, विशु भी मेरे साथ है अभी, तो हम लोग का अभी ट्रिप यहीं पर एंड होगा और हम लोग अभी जाएंगे घर। तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों बाद, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट करो वीडियो पे जरूर। तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग को आगे मिलते रहेंगे फ्यूचर पे, चैनल के साथ बने रहिएगा। बाय बाय।